हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे कि कोई सी भी वैकेंसी आए जिस पर आप एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर सके और अपने लिए जॉब ले सके, तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जाम निकाला गया था। बीच में वो वैकेंसी में कुछ एग्जाम्स को लेके वहां पर विवादित रहा, जिस कारण से नियुक्तियां लेट हुई और अधिकांश बच्चों को उसमें जो क्वालिफाई हुए थे उनको जॉब मिल चुकी है, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वहां पर नियुक्त हो चुके हैं। साथ में मध्य प्रदेश जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का भी एक एग्जाम के सभी बच्चे यहाँ पर पोस्टेड हो ही चुके हैं। सेकेंड एग्जाम को लेकर अभी यहाँ पर प्रोसेस चल रही है। उसी तारतम्य में आप देखेंगे कि हर बार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट दो साल में एग्जाम निकालता ही है, तो 2022 में निकाला था। अब यहां पर आप देखिए, अब 2024 में एग्जाम निकालने के लिए तैयारी शुरू हो गई है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा। ये आपने जो लेटर है, ये वैसे तो अधिकांश सभी लोगों ने यहां पर देख ही लिया होगा और सभी के व्हाट्सएप पर पहुंच चुका है, सभी बच्चों ने फैलाया और बच्चों से ही हमें प्राप्त हुआ है। तो यहां पर देखिए, सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को यहां पर भेजा गया है ये वाला लेटर, जिसमें शीघ्र लेखक ग्रेड टू, शीघ्र लेखक ग्रेड थ्री, शीघ्र लेखक ग्रेड थ्री कोर्ट मैनेजर स्टाफ, सहायक ग्रेड तीन इंग्लिश नोइंग एवं आकस्मिकता निधि के कर्मचारियों के संबंध में जानकारी चाही गई है। यहां पर आप जब देखेंगे तो इन्होंने जानकारी चाहिए है, कब तक की चाहिए है, 31/12/2023 तक जो रिक्त पद हैं सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में उनकी जानकारी चाहिए है। और आप समझ सकते हैं कि जब भी हाईकोर्ट अगर रिक्त पदों की जानकारी चाहता है तो वो किस लिए, उन पदों को भरने के लिए। एक तो ये बात हो गई, सारा लेटर तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप इसके लास्ट का पॉइंट देखिए, जिससे आप लोगों में तैयारी करने का और जुनून भर जाएगा। देखिए, उपरोक्त अनुसार स्थापना पर अधिक से अधिक रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु नियम अनुसार जानकारी प्रेषित करें। क्या वर्ड यूज करा है यहां पर, अधिक से अधिक, समझ रहे हैं ना। और अधिक से अधिक क्यों, और इसमें एक और बात लिखी है, भविष्य में बिना किसी समुचित कारण के अनावश्यक पद रिक्त पाए जाने पर, है ना, रिक्त पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बहुत बड़ी बात है, अधिक से अधिक जानकारी मांगी है। मतलब इस बार आप याद रखिएगा, 2024 में आपको बहुत ज्यादा पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। जैसे कि 2017-18 का आपको अगर याद हो, 3000 बच्चों के लिए यहां पर वैकेंसी फुल करी गई थी और अब यहां पर फिर से अधिक पदों की जानकारी चाही गई है। मतलब इस बार हो सकता है कि और भी ज्यादा बच्चों के लिए यहां पर एग्जाम के लिए यहां पर रिक्त पद निकाले जाए। तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है। जिन बच्चों ने पिछले बार तैयारी की होगी और असफल हुए होंगे, उनको पता होगा कि हमें अब कैसे प्रिपरेशन करना है। और अगर जो बच्चों ने अभी तक प्रिपरेशन नहीं करा है, वो भी जल्द से जल्द पहले तो सीपीसीटी कंप्लीट कर ले। डीसीए आपका कंप्लीट होना चाहिए या पीजीडीसीए कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन सीपीसीटी आप कुछ भी करिए, 2-3 महीने में आप निकाल लीजिए, क्योंकि वैकेंसी का कोई भरोसा नहीं कि कब आ जाए। तो इसलिए आप सीपीसीटी कंप्लीट कर लें ताकि आप इस पेपर का फॉर्म फिलअप कर सकें। सेकंड बात, इस पेपर के लिए बहुत से बच्चों के बीच में भी कॉल आए हैं कि सर, डिक्टेशन का जो इसका मेन्स कोर्स होता है, सर उसके लिए आप डिक्टेशन का कोर्स लॉन्च करिए। तो मैंने क्या किया है, आप सभी के लिए यहां पर हमने एक फुल लेंथ कोर्स बनाया है। कैसा है ये कोर्स, तो देखिए बच्चों, यहां पर इसमें आप, इसको मैं आपको बढ़ा करके दिखा रहा हूं, यहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी रहेगी, कंप्यूटर की वीडियोस भी रहेंगी और लीगल डिक्टेशन भी रहेंगी। मतलब प्री एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज और कंप्यूटर की वीडियोस, प्लस आपको मेंस एग्जाम में जो लीगल डिक्टेशन है वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगी इस हमारे कोर्स में। अब मैं बता दूं आपको, आप कहेंगे कि सर और आपने अदर सब्जेक्ट क्यों नहीं दिए, तो देखिए बच्चों, अदर सब्जेक्ट का मैंने पिछली बार भी कहा था, आप लोग घर पर बैठकर पढ़े, आपको आप निकाल सकते हैं। सिर्फ हमें जरूरत होती है टेस्ट सीरीज देने की आप, ताकि अच्छे से अच्छे टेस्ट दे सके। प्लस लीगल डिक्टेशन जो होती हैं वो अगर आप अभी से करना स्टार्ट कर देंगे, तो मेंस का जब आपका एग्जाम होगा वहां पर कितने ही स्पीड में डिक्टेशन भूल जाए आप आराम से कर पाएंगे। तो ये कोर्स है हमारा, अगर आप चाहें तो इसको, कोर्स को अभी लेंगे तो ये जब तक आपका एग्जाम नहीं हुआ वन टाइम आप पेमेंट करेंगे, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा इस नोटिफिकेशन का 2024 में जो वैकेंसी आएगी, तब तक
आपको इसमें सब्सक्रिप्शन आपका रहेगा, आपको सेकंड बारी आपको पे नहीं करना पड़ेगा। प्राइस जो है वो आप देख लीजिए, आप हमारा ऐप इंस्टॉल कीजिए सक्सेस विथ यू, या आप वेबसाइट पर जाके app.successwithyou.in पर भी विजिट कर सकते हैं। एक बात और मैं बता दूं बच्चों आपको कि ये जो कोर्स है आपको, इसमें आपको टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर वीडियोस प्लस लीगल डिक्टेशंस मिलने वाली हैं। बहुत अच्छा कोर्स आपको होगा, आप जिन बच्चों ने पहले लिया था उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और ये भी बता दूं कि जो अभी पेमेंट करेंगे उनको लास्ट तक फायदा मिलने वाला है। पता चला कि बाद में आप ले रहे हैं आपको पेमेंट उतना ही करना पड़ा, लेकिन आप इतने दिन तक प्रैक्टिस नहीं कर पाए। तो मेरा मानना है और मेरा कहना भी है आप लोगों से कि आप लोग अभी अगर इसको परचेस करते हैं तो आपको जब तक आपका ये एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको प्रिपरेशन करने को मिलेगी वन टाइम पेमेंट करके। स्टूडेंट्स, और भी अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जाम को लेके हम वीडियोस लाते रहेंगे, कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे सब्जेक्ट रहेंगे, कितने कितने सब्जेक्ट के कितने नंबर होते हैं, ये सब जानकारी देंगे। एक एक जानकारी आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से इस वैकेंसी को लेके मिलती रहेगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।